dear viewers, I'm Aliza Diori and you're watching Arunachal Express. Viewers, as you may see that there are many people behind me holding banners and flags of BJP, that's because I'm here at Druksin, wherein a grand reception program is being organized for Sri Kaling Moyong, who is the current sitting MLA of 38 Pasighat ST Assembly Constituency, and he was also re-nominated as the official MLA candidate. Keep watching Arunachal Express to know the full report about this grand reception program.
शहीद होलुम इदाम बुलुमो मिलिकुतुम आरो मावोकुम लुकेनमान इरोकुम नुरुकरालो इलेक्टू नगरना निमो को डक्का छिलोलुना आदु इदाम मुलु बीजेपी हिमोल फैमिली आपेल मुलु आइपे हिबाते हि इदाम मामुलो मुलु हारिए देमी नामे नलु मुलु स्टारुलि पलागिए मुल संघर्ष पलागिए बेलो मुलु जीजिए इलाम लीडरशिप लो मो कानाम पर नोल काली मोय किसान कापा माए काली मोय सतीर नको बुने बुने माफुगे नको केन्ना को अमी किसा तेलो बोलो कै अतिया निमा अति दको बुसेम स्पीड लो मंदु इलाम बु हेक्टिक डेवलपमेंट मोलो पासिका चलाना होतो कांग्रेस आइए अरुणाचल सिम बर्ती को सलाह तो सिम मिनिस्टर एम को मोलुगाडी जान नको मितो हो दर्दीना विधायक आए चले गए फिर भी पासी का जैसे का तैसा था। आज देखिए इन दो सालों में देखिए पासी का नक्शा बदल गया। वो है कालीन मोयम का वजह से हुआ है, पेमा कानू की वजह से हुआ है, नरेंद्र मोदी की वजह से हुआ है। हम यही सुनता था ऊपर वाला देने से छप्पर काट के देता है। अभी हम समझते हैं क्या ऊपर वाला बीजेपी सरकार है क्या, यही हम समझते हैं। इतना छप्पर काट के हम लोग को विकास दिया, तरक्की दिया, प्रगति दिया, काउंटलेस डेवलपमेंट दिया है। आप सब देखते हैं काली मोयम कितना किया है। पहले जितने विधायक आए थे उन्होंने तो कुछ नहीं किया। आप देखिए नरेंद्र मोदी ने कहा था अच्छा दिन आएगा। हम कोई लोग बोलता है अच्छा दिन कब आएगा, हम बोलता है अच्छा दिन आ गया। हम लोग कितने साल से फ्री साउंड आ रहे हैं, ये अच्छा दिन है। आप देखिए दो साल पहले पासीघाट से जब डिब्रूगढ़ में हम सेटअप करने जाता था उसी समय दिन बोल लगता था। अभी बोगी भी बना बीजेपी सरकार द्वारा, अभी संघ गंतों में संघ मिनितों में डिब्रूगढ़ जाते हम पासीघाट वापस आते हैं। इसको हम तरक्की नहीं बोलेगा, इसको हम विकास नहीं बोलेगा, इसको हम सवासी नहीं देगा, उसको हम तारीफ नहीं करेगा, उसको हम प्रशंसा नहीं करेगा तो हम क्या बोलेंगे, आप ही बताओ। बीजेपी ही आयुना गवर्नमेंट को नोलू बुलू को मुंकिलांग का कोनो में लंगो डिब्रूगढ़ एंजियम लोडू पे बुल लो डुक्तुमा है फूपा मिली लंगो डिब्रूगढ़ बलो बलो एंगल एकुंसो प्रिजुम को देमारिया ने सरकार कमाएगा। कांग्रेस आइए नोलू डेमी बोतों अगु कौन पार्टियां डेमी बोतों डेमी बोना काम फूपा पासीघाट बाजार में तंकितों का ऊंचे ऊंचे इमारतों से पासीघाट का नक्शा बदल गया। उसको हम विकास नहीं बोलेगा तो क्या बोले। विज्ञान का मंदिर लाया कालीन मोय बीकेपी, विज्ञान का मंदिर लाया यूनिवर्सिटी कालीन मोय, पासीघाट हॉस्पिटल कितना बिल्डिंग बनाया फिर भी कोई लोग बोलता है कालीन मोय क्या किया। कालीन मोय को हम तारीफ नहीं करने से हम किसको तारीफ करेंगे। मुंगा का मोलो ही एमएलए कालीन मोय कितने लोन में होकर लेनी का है इनमें बिगो फर्स्ट बिगो एमएलए पार्टों ने बिकम होजर उनको टाइम लगी तो सीएम में डेप्यूटी सीएम में मिनिस्टर की तरह में भी लाइन लगा इनम लगा पर भी पास करने में भी टाइम लगी था। इनमें मोलो ही नहीं लोस को मिला भी टाइम लगी गई ला भी नेक्स्ट सेकेंड टाइम अब भी लाइन लाइन में आई पर बनाई गई ला को ला भी डेटिनल डेवलपमेंट में इलाम मिला इनमें होकर भीड़ में लोस को मिला आपने है तो भी एमएलए ये को बिल्कुल लाइन लगी करो पास बहुत तो अमूल पे तो कागे ये मैं नलुक पासीघाट हो गए था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गए डेवलपमेंट ने अगेन पास बहुत उपयोग कर दिए इन्हें मैं नलुक तकम पुकार दूं और डेवलपमेंट आयम से मुर्ती तो मुकम्मल आपका तयों का हादन करते मुला आपका उनका नलुक तकम पुकार दूं हादन करते मुला आपका मुला आगे जीते लगी है जीती पे लगी है
मोर अंडर एस्टिमेट इज लागि मान अपन ओपोजिशन ने अनु तो कर मोर करता है ना अनु ने तो अनु तो मोर निर्माण कर मार कर लागि है तो अगला की तो लो लो अगला तो जेट की है मैं ने लोग के ग्राम चार पासे में ग्राम ग्राम में ने लोग में लोग ग्रामीण के लोग के जगह सरकारी के लोग के जगह ने तो बीजेपी कार्यकर्ता तक में बीजेपी सरकार The government under the dynamic leadership of Narendra Modi, under the leadership of in the state, Sri Prabha Ganguji, Chonamanji, Bulut again in the Takaman Kala, Bulut Sisang is under the Bulut Ma. Ekana Aina Sarkaran, Aina again in the Bulut Dalala, Aruba Pama Kalagino, Aruba Kupala Gino, Bulut Takam the Ejene, Bulut Takam the Bulut Sodia, Ground Sodia, Asika Target, this constituency here, Bulut Kalino, Kadama to Takam, बीजेपी लोग पासी का तरकीब से बीजेपी को हिंगा लोग ये ना ही बोलते कि मैं कॉम्प्लीशन सी गवात होगा ओवर कॉम्प्लीशन चला देगा तो हम एवं तो का आगे दें कपूर की टेंपो ऊपर में खेल रहे हैं आईपीएल में लोग वो मुइना में तो आईपीएल में लोग इनको पता नहीं कमाते हैं उन्होंने मुइना पता नहीं कमा उनको ने तो जिकी दे तो उनको रोज है तब उन दूरी में टॉप टाइम पर एंड ही मेड हिस्ट्री इन पासिका टॉप टाइम उनको मैं जीम में ब्रेक है Dan mereka mana tak faham lah itu agen itu kan? Dia elek, ini zaman leader, kuya tu elek ni. Agen leader yang luna lah, inga lah, koma lah, election time lah ini lo leader yang time lah jadi potong itu. Dan ini apa tak faham orang orang ni agen itu kan? Jadi minimum itu kan itu, I think as a candidate experience kita dalam kita. Jadi this keywords, jai BJP, jai Unachal, jai Hind. Kerana yang lupa, mau tak faham, ayuh lupa punya, ikanan. Mayung yoder lato. Ina ka hindi ka di takam nolo kaya lang tige de aro hindi ka di mo atak sa nila pahilang na ingo senior citizen na dulo retired officer na dulo ingo party karikarta bol ingo tiket pa naman kyunki nolok yagang party party with a different dulo tala yung dito wala batyalo na political party डेवलपमेंट सेक्टर का किधर है किधर बजना किधर है उनका कम जल्दी रिटेन की मांग होना ही है ये को हम आगे लोग को मंदिर तक का मोदी सरकार आ रहा है पहला सरकार आ रहा है दो स्पोर्ट्स करा पे दिल्ली मुंबई में तो नहीं मांग लोग और ना चल निर्णय का पप्पा इधर आने लोग को पासिंग का निर्णय का पप्पा इधर जब तो आगे हम दूर ना रहकर हम मंदिर तक का डिफरेंस जब हम डेवलपमेंट एक रुपा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का लगानों का मुद्दा नहीं है मतलब यूनियन मिनिस्टर किधर है एवरी 15 डेज नो नॉटिस ऑफ मलिक ने इन्हें भी स्कीम मलिक ने अंदर भी खुपे लगे द माने मोदी है तो ग्रांटी है मतलब मोदी स्कीम को रुका है द ग्राउंड ग्रासरूट लेवल लो जब तक हम अपने को दूंगे लोग क्योंकि मॉनिटरिंग तगड़ा फील है द पब्लिक आपको बोलूं इन्हें भी डेकोरूम लगा लो मलुकम उनका पॉलिटिकल लाइन मांगते हैं लोग बीजेपी लाइन में मांग को मिलो जे नियम रूल है सॉरी रूल इनाम तकम ये लोग पर रिसेप्शन पर बना बना दिया तो मोहम्मद अपने ने मगे ना इर्गारों पर रुक्सिन पर कौन है कौन डॉक्टर कौन मो दूर ने कौन दूर ने तो दर का आप वे को मसले को मिली तो मेरा नाम मीरम कोमुद है मैं ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हूँ और हमारे 38 ईस्ट पासीघाट का जो कालिंग मोहन हमारे जो बीजेपी कैंडिडेट हैं उनका मैं ओवरऑल इंचार्ज हूँ इलेक्शन ओवरऑल इंचार्ज हूँ सर आज के प्रोग्राम में सर को जो टिकट मिला है उसमें इतने सारे लोग आए हैं तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे नहीं इसमें तो कुछ कहना तो है नहीं क्योंकि ये सिंस 2014 एंड 19 जो हम लोगों ने जो बीजेपी का काम पद संभाला है हमारा एमएलए साहब जो अभी हमारे कैंडिडेट है उसके काम को देख के सब ने सराहना दिया है सब ने अच्छा पाया है तो उम्मीद था ही है कि हमारा बीजेपी टिकट हमको ही मिलना था और मिलने के ऊपर तो सबको खुश है रूलिंग टिकट मिलना तो बहुत खुशी की बात है सर
इस बार भी सब बोल रहे हैं कि सर का ही रूलिंग आएगा क्योंकि सर ने इतना विकास लाया है पासीघाट में, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? नहीं वो सही, जिससे भी आपने सुना सही बात सुना, अभी आप देखा होगा कितने स्मार्ट रोड से है, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट से है, हमारे यहाँ बहुत सारा ये आपका एजुकेशन के ऊपर हम एम्फेसिस दे रहे हैं, स्टेडियम्स बनाया है, बहुत सारा किया है, मेडिकल को हमने अभी फिलहाल ही 300 बेडेड वो एक्सटेंशन करा रहा है, तो उसको ही आना है क्योंकि वो हमारे जो समाज के लिए, हमारे पब्लिक के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए एक्चुअली ही इज़ गोइंग फॉर रोड कनेक्टिविटी, एजुकेशन एंड हेल्थ, हाँ उसका वही मुद्दा है। मेरा नाम कालिंग दाई, हम तो बोइंग विलेज का है, एक सीनियर सिटीजन है, ये बीजेपी में बरसों से है बीजेपी में, और बरसों से लेकर आज तक बीजेपी का एक कार्यकर्ता है, मतलब वो तो बीजेपी का आदमी तो काम करना ही पड़ेगा, वही है। और कालिंग मोयम जो टिकट मिला है हम लोग अच्छा लग रहा है क्योंकि वो मिलने का लायक है, क्योंकि कालिंग मोयम जैसा लीडर नहीं है पासीघाट में, जैसे कि वो शांति है, दयालु है, बहुत अच्छा लीडर है, वो तो मिलने का उसका हक बनता है, तो इसी में वो मिला है, हम लोग अच्छा ही लगा है, और जीतेगा भी। इतना बार बार तीन बार हो गया, तीन टर्म जब कंटिन्यू टिकट कालिंग मोयोंग जी मिलता है तो उसी से हम लोग पकड़ लेता है, वो उसका जो परफॉर्मेंस है, उसका जो पब्लिक रिलेशन है, एवरीथिंग ओके है, इसीलिए वो टिकट मिल गया, बहुत अच्छा लगा है। इस बार भी आप सर्टेन हैं कि इस बार भी सर की सरकार आएगी इधर पासीघाट में? नहीं, पासीघाट में तो बीजेपी आएगा, वो तो बाकी एनपीपी कांग्रेस वो तो होगा ही नहीं, पासीघाट में तो इतना बीजेपी इतना विकास किया, मत बोलो अनगिनत विकास किया है, वो सब कालिंग मोयोंग का नेतृत्व में, पेमा खांडू का नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, तो उसमें तो पासीघाट का सकल सूरत बदल गया, अभी दाहिने बाएं आगे पीछे विकास ही विकास नज़र आता है, कभी कभी हम ऐसे ही लगता है कि ये कौन दिया है, तो इसीलिए हम भाषण में भी मरा है, मरा है, हम तो पहले सुना था ऊपर वाला देने से चप्पर पार के देता है, कहीं वो ऊपर वाला बीजेपी सरकार नहीं है क्या, हम तो ऐसे ही लग रहे हैं। थैंक यू। और सर कैसा लग रहा है सर, इतना सारा तादाद में भीड़ उमड़ पड़ी है आपको देखने के लिए? अच्छा लग रहा है, ये एक्चुअली हम तो धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारा स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट और ऑनरेबल सीएम ऑनरेबल डीसीएम को, तो एक्चुअली ऑनरेबल लोग को ही थैंक देने के लिए आया है, क्योंकि रूलिंग टिकट है और प्रेस्टिजियस कॉन्स्टिट्यूएंसी है पासीघाट को माना जाता है, तो इसमें अभी थर्ड टाइम है, तो बहुत लोग बोल रहा था कि टिकट दूसरा को दे रहा है, लेकिन हमारा तो पूरा विश्वास था कि ऑर्गेनाइजेशन में जब पार्टी के लिए हम लोग काम कर रहा है, हमारा कार्यकर्ता सब पार्टी के लिए काम कर रहा है, एवरी ओकेजन हम लोग, तो हम लोग को पूरा विश्वास था नहीं पार्टी तो अपना परफॉर्मेंस को ऊपर ही देगा, तो हमारा वही पार्टी के ऊपर भी हमारा पूरा विश्वास था कि टिकट तो मिलना ही है बोलकर। तो सर ये आप अगर इस बार जीत जाते हैं तो सर ये थर्ड टाइम आप एमएलए बनेंगे और ये अपने आप में पासीघाट के लिए एक रिकॉर्ड रहेगा सर, इस बारे में क्या कहेंगे? तो सबसे पहले तो मैं पासीघाट सिटीजन को धन्यवाद देना पड़ेगा कि उसका ब्लेसिंग से अगर थर्ड टाइम मिलने से भी मिलेगा, फिर भी थर्ड टाइम एक इजी चीज़ नहीं है क्योंकि उसको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन मेरा कार्यकर्ता ऊपर जैसे अभी आप थोड़ा देर पहले देखा है हमारा रिटायर्ड ऑफिसर्स है, उसका बाद हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, पंचायत लीडर्स है, काउंसिलर्स है, तो पार्टी कार्यकर्ता और इलेक्टेड लीडर का तरफ से हम तो कोई कमज़ोर महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि और हमारा रिटायर्ड काफ़ी ऑफिसर्स है पासीघाट में, सब हमको साथ दे रहे हैं, तो इसको लेने से तो हम ऐसा लग रहा है कि इस बार भी थर्ड टाइम तो मिलना चाहिए, हमारा उम्मीद है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि पूरा अभी से ही जोर से लगा हुआ है बीजेपी कार्यकर्ता। नया बोलकर नए, क्योंकि कहीं भी डेवलपमेंट हो हम लोग तो यूजुअली एजुकेशन और हेल्थ और रोड नेटवर्क और ये वाटर सप्लाई को ही लेकर आता है, तो अभी जैसे एजुकेशन में बोलने से आप खुद मालूम है लोन अरुणाचल यूनिवर्सिटी अभी पासीघाट में कुछ दिन पहले ही कमीशनिंग हुआ, उसके बाद हमारा पास
कॉलेजेस है, एग्रीकल्चर कॉलेज है, हॉर्टिकल्चर कॉलेज है, फॉरेस्ट्री है और हमारा लोन सैनिक स्कूल है। उसके बाद हमारा एक सेकेंड बी के भी स्कूल कमिंग हो रहा है वॉर पुटिंग में, और हमारा पास यहाँ में राष्ट्र रक्षा यूनिवर्सिटी है और स्कूल्स कमिंग अप हो रहा है। तो एजुकेशन में तो और आगे बढ़ाना है। उसके बाद हेल्थ सेक्टर में तो आप देखिए अभी 300 बेड तो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन अभी शुरू होने वाला है, 30 बेड तो ऑलरेडी हो गया। उसके बाद रोड नेटवर्क स्मार्ट रोड तो आप लोग देख रहा है, और पानी का सिलसिला में पासीघाट में पॉपुलेशन क्योंकि डेली बढ़ रहा है, तो उसको लेकर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का तरफ से इस बार 23-24 के लिए एक RIDF से सेंक्शन किया है। अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, लेकिन चुनाव का बाद वो वॉर फुटिंग में काम चलेगा। तो अभी एजुकेशन ही मान के चलिए, हेल्थ मान के चलिए, रोड नेटवर्क मान के चलिए, ड्रिंकिंग वाटर ऑलरेडी हम लोग प्रायोरिटी में रखा है। तो आने वाला दिन अभी जैसे माइटी सियांग रिवर है जो हमेशा मानसून में पासीघाट के लिए एक थ्रेट है, तो इसको हम ऑनरेबल CM, ऑनरेबल DCM, गवर्नमेंट को बात कर तो स्पेशल एक स्पेशल प्रोविज़न प्रोटेक्शन वर्क के लिए वो हो गया, शिवकरों के लिए ऑलरेडी हम लोग पाइपलाइन में है ये, तो ये तो ऑलरेडी हम लोग टेकअप कर रहा है और स्पेशली इसको प्रायोरिटी में रखने के लिए हम सरकार से मांग करेगा। सर 2019 के मैनिफेस्टो में आपने एकदम 16-17 कुछ पॉइंट्स दिए थे, जिनमें से ज़्यादातर पॉइंट्स अभी अचीव हो चुके हैं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा था सर कि रेलवे कनेक्टिविटी का, जो कि अभी तक अचीव नहीं हो पाया। तो हम कब तक उम्मीद लगा सकते हैं कि आपका जो सपना है पासीघाट को अरुणाचल का रेलवे मैप ऑफ अरुणाचल बनाने का, वो कब तक पूरा होगा? आपका मेमोरी बहुत अच्छा है, मैनिफेस्टो तो 99.9% ऑलरेडी कम्प्लीट है। रेलवे में थोड़ा हम लोग का टाइम लगे, इसके लिए कॉम्पेंसेशन रिलेशन में बहुत टाइम लग गया, और कोविड के दौरान हमारा 2 साल हम कुछ एक्शन में नहीं ले पाया, लेकिन अभी तो आप देखिए वॉर फुटिंग में काम चल रहा है। जितना तक एक्विजिशन किया वॉर फुटिंग में कर रहा है, वो रुकसिन तो पासीघाट ने अभी पासीघाट तो परशुराम कुंड के लिए भी ऑलरेडी सर्वे भी हो चुका है। तो ये तो हम जितना सकेगा अभी गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी अवार्ड कर दिया, अभी कंस्ट्रक्शन एजेंसी ये स्पीड अप करना पड़ेगा, लेकिन ये हम लोग पूरा कॉन्फिडेंट है कि ये ऑन टाइम कंप्लीशन होगा, और टाइम अभी बाकी है उसका कंप्लीशन के लिए, क्योंकि शुरुआत हुआ वाला ज़्यादा समय नहीं हुआ। फिर भी ये भी एक कमिटमेंट है, ये हमारा एज ए MLA बोलकर नहीं, ये स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ बोलकर नहीं, ये हमारा एक नेशनल प्रॉपर्टी भी है। तो ये तो वॉर फुटिंग में तो काम चल रहा है, ज़ोरदार चल रहा है अभी। टूरिज्म के लिए हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं अभी, जैसे आप पासीघाट से यहाँ से अभी 4 किलोमीटर में एक रानीघाट है, रानीघाट में लेफ्ट साइड में कैफेटेरिया है, उसके बाद हमारा जो सियांग रिवर ब्यूटिफिकेशन काम कर रहा है, और अभी बहुत सारा काम करना बाकी है लेकिन उसमें पब्लिक भी साथ देना पड़ेगा। जैसे हमारा यहाँ में रिवर्स है, माउंटेन है, उसका ओनर्स है, तो ऑनर्स लोग भी साथ देना पड़ेगा। लास्ट टाइम भी हम लोग एक बड़ा स्कीम सेंक्शन किया था, लेकिन उसका कम्युनिटी लेन था तो उसमें थोड़ा तकलीफ हुआ, लेकिन उसको अभी हम लोग दूसरा ढंग से पूरा कम्युनिटी को या इंडिविजुअल को कॉन्फिडेंट में लेकर, क्योंकि हमारा टूरिज्म में बोलने से हम लोग काफ़ी चीज़ कर सकता है। ऊपर वाला हमको सब दिया है, हमारा पास यहाँ में नदी है, पहाड़ है, जमीन है, प्लेन लैंड है, इसको आगे बढ़ाना है, इसका एक विल पावर भी होना पड़ेगा, और हमारा आम आदमी का साथ भी एक कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, और वो लोग भी लाइक करना पड़ेगा, नहीं हमारा टूरिज़्म आगे बढ़ने से ही हमारा अनएम्प्लॉयड भी थोड़ा उसका इश्यूज थोड़ा कम होगा बोलकर, उसको पूरा हम फील्ड में उतरना पड़ेगा उसके लिए। आपने कुछ दिन पहले कहा था कि पासीघाट में अभी और 2 एक्स्ट्रा पावर स्टेशन से पावर आने वाले, टोटल 3 हो जाएंगे सर। तो अभी जैसे कि समर्स आने वाले हैं सर, पासीघाट में उस टाइम पावर का डिमांड भी ज़्यादा बढ़ जाता है सर, वो कब तक सर कमीशन हो जाएगा? वो एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल तरफ से काफ़ी ये है, जल्दी करना है बोलकर स्पेशली हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो इंचार्ज पावर है काफ़ी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बोल रहा है, फंड दिया हुआ है, टेंडर कर चुका है, लेकिन जमीन के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन मेरा ख्याल से अभी ऑलमोस्ट वो सॉल्व हो गया जमीन इश्यूज, तो लगभग अभी बहुत जल्द से जल्द ये टेकअप होना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा जो कंज्यूमर को आलोंग टू पासीघाट हो गया, उसके बाद अभी लोअर सुबनसिरी से निगलोक देन पासीघाट है, और उसके बाद एक हो गया हमारा ये रुपाई से होकर नामसाई रोइंग पासीघाट, तो पासीघाट को अभी 3 वे से फीडिंग करेगा,
तो मेरा ख्याल से आने वाला दिन, जैसे अभी आप बताया, आने वाला दिन हमारा ईस्ट सियांग में पावर का कोई शॉर्टेज नहीं होगा। इनफैक्ट हमारा एक पावर स्टेशन ही हो जाएगा ये, लेकिन पब्लिक भी साथ देना पड़ेगा उसको ज़मीन के लिए। पब्लिक के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? पब्लिक के लिए तो मैं वही अभी बोलेगा कि चुनाव का समय है, तभी रूलिंग का टिकट दिया गया है, तो आप लोग सब पब्लिक लोग साथ दीजिए, पासीघाट को आगे बढ़ाइए। तो हमारा भी दिल में कुछ कुछ करना बाकी है, तो उसको कम्प्लीशन के लिए आप और मौका देना जरूरी है बोलकर हम महसूस कर रहे हैं, और हम अपील भी कर रहे हैं आप लोग सबको, स्पेशली फर्स्ट टाइम वोटर्स लोग को, जो आपका जो वोटिंग आप कॉन्शियसली दीजिए, क्योंकि आप तो कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई इंक्लाइनेशन नहीं है, आप अपना पॉलिटिकल पार्टी जो आपके लिए कुछ काम कर सकेगा नेशनल लेवल में या स्टेट लेवल में, उसको आप ध्यान से सोच कर दीजिए। और हमारा तो वही अपील है कि आने वाला दिन 2024 तो नेशनल लेवल में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो वापस आ ही रहा है, तो हमारा स्टेट में भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी आ रहा है, हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौना मेन जी तो वापस आ ही रहा है, तो अरुणाचल को आगे बढ़ाने के लिए पासीघाट को भी आप लोग साथ दीजिए, वही हमारा अपील है।